वट आर द फाइव थिंग्स यू मस्ट कंसिडर बिफोर यू डू एनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ऐसे कौन से पाँच चीज़ें हमें ज़रूर चेक करनी है हमेशा हर बार ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी रहे सक्सेसफुल रहे और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आए मेरा नाम है चेतन कपूर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो इज़ हाउ इजी इट इज़ कि हमारी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो जाए वो गलत हो जाए We call it the worst investment. How can we make sure that our property ki investment is not which is we are considering today? So we need to understand that property is not an easy thing to buy. It costs a lot of time. It takes a lot of money, and the money with the regular property investment you do. The difference between a successful and a poor investor is how successful he is doing his real estate investing. हमारे पास सारे इतने फ्रेंड्स फैमिली कोलीग्स हैं हु हैव डन वंडर्स देम सेल्फ और देयर फैमिली इन एनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फॉर्म्स वी ऑल हैव अ सक्सेसफुल अंकल फादर और अ ग्रैंड फादर जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके खूब पैसे कमाए हैं ऐसा काम उन्होंने क्या किया जिससे वो ग्रो कर पाए तो मैंने क्या किया मैन आई स्टार्टेड रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग बैक इन दयर टू थाउजेंड सेवन आई स्टार्टेड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल एंड ये सारे वो लोग थे जिन मेरी फैमिली में थे मेरे क्लाइंट्स थे मेरे बहुत सारे वेल विशेस थे मैं उनके पास गया और मैंने पूछा ऐसा क्या आपने सिस्टम चेकलिस्ट फॉलो करी कि आपकी हमेशा प्रॉपर्टी में ग्रोथ आई और ऐसा तो है नहीं कि सारी प्रॉपर्टी डबल ट्रिपल हो गई है तो आप में ऐसी क्या रिसर्च थी आपने ऐसे क्या फॉर्मूला यूज़ किया कि आपकी सक्सेसफुल आती रहे तो जब मैंने इतने लोगों से क्वेश्चन पूछा और उन सब ने बड़े पेशेंटली मुझे जवाब दिया उन सब की फीडबैक से उन सब की रिसर्च और ज्ञान से ये मैंने पांच पॉइंट्स बनाए हैं ये पाँच पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लोगे आई कैन एश्योर यू योर मनी विल बी सेफ योर मनी विल ग्रो इट विल मल्टीप्लाई मेनी फोल्ड्स इट विल ऑल्सो क्रिएट अ वेरी हैंडसम सक्सेसफुल रेंटल इनकम विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट वन ऑफ द रीजन आई वॉन्ट इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट एंड नंबर फाइव वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल द प्रॉपर्टी विच इज़ अ बिग चैलेंज राइट नाउ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो पांच चीज़ों को कंसिडर करके ये मैंने नेक्स्ट पांच पॉइंट हैं है ना कैन एश्योर यू ये सारा रिसर्च प्योरली अनबायस्ड है मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भेजने की बट जस्ट आपको गाइड करने की कि ऐसे कौन से फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी रहे तो लेट स्टार्ट पॉइंट नंबर वन विच इज लोकेशन हमने सब ने एक क्लीशे सुना है कि द बेस्ट थिंग यू नीड टू सी इन अ प्रॉपर्टी इज़ लोकेशन 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 दिस इज़ फैंटास्टिक वर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक प्राइम प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा बनाया हुआ है उसके अंदर ब्यूटिफुल गर्फ कोर्स है वाटर बॉडीज़ है लेक्स है उसमें एनिमल भी बनाए हुए हैं उसमें पेटिंग एरिया है और प्रोजेक्ट इतना सुंदर काव आउट हुआ है कि जब भी आप जाते हैं आप कहते हैं वाह वॉट अ प्रॉपर्टी बट प्रॉब्लम यह है कि ये लोकेशन दिल्ली से चालीस किलोमीटर दूर है तो चालीस किलोमीटर दूर जाने के बाद वहाँ पर कोई जॉब्स नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर नहीं है और बहुत सारी रोड डेवलपमेंट नहीं है इन सब को कंसिडर करके लोग वहाँ पर एक बार चले जाएंगे दो बार चले जाएंगे कभी कभी चले जाएँगे बट दे विल नॉट गो देयर एंड दे विल नॉट इन्वेस्टर सो इन रिस्पेक्टिव हाउ ब्यूटीफुल द कंसेप्ट ब्यूटीफुल द प्रॉपर्टीज़

what are the things we must check in location? here are a few points. number one, it should be surrounded by a very good infrastructure. there should be metro. there should be big highways, big roads connecting to that location. there should also be very good hospitals, public utilities like schools, etc., around that location. you must also have a lot of jobs in that area. if you have great number of jobs, a lot of people will prefer to live nearby.

बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये एक्सपेक्टेड बड़ा क्लियर था कि लोगों का एक्सेस आसान हो गया तो यही चीजें अगर हम फॉलो कर लो लोकेशन पॉइंट में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे आई कैन गिव यू मैनी एग्जाम्पल मैनी रिसर्च एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट द लोकेशन कमेंट बिलो आई विल बी हैप्पी टू आंसर नेक्स्ट पॉइंट वी मस्ट कंसिडर अपार्ट फ्रॉम लोकेशन इज द बिल्डर इन ऑल मल्टी ग्रोथ सिटी जहाँ पे बहुत अच्छी मास्टर प्लानिंग है हमें रियलाइज़ किया है कि डी और हुडा और नोएडा अथॉरिटी के बाद प्राइवेट डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ बनाई है दे आर द मेन पीपल हु आर डेवलपिंग द सिटीज़ बट नॉट एवरीबडी सक्सेसफुल एंड सम आर वेरी सक्सेसफुल इसी चीज़ों को हमें कंसिडर करना है जब हम कोई प्रॉपर्टी में खरीदते हैं चाहे वो रेडी है या अंडर कंस्ट्रक्शन इट डजेंट मैटर यू विल सी अ सक्सेसफुल डेवलपर ऑन अ डिलीवर प्रोजेक्ट मेक श्योर द मेन्टेनेस इज द राइट वे क्योंकि उसके नाम उसकी रेप्यूटेशन उसके साथ है एंड वी हैव ऑल्सो सीन अ वेरी ग्लैमरस बिल्डर हु इज़ डूइंग लॉर्ड ऑफ मीडिया मार्केटिंग बट द डिलीवरी इज वेरी पुअर उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन देख लो रेडी प्रोजेक्ट देख लो दोनों ही मुरझाए हुए हैं तो हमें ना बिल्डर पर बहुत ट्रस्ट करना है बिल्डर के भी बहुत सारे सब पॉइंट्स है जैसे मैं आपको बता सकता हूँ द रेपूटेशन नॉट द मीडिया रेप्यूटेशन बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स रेपुटेशन। आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से पूछे कि आपने इस बिल्डर की ये प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी थी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या वो प्रॉपर्टी अच्छी बनी क्या वो टाइम से बनी क्या आप उस प्रॉपर्टी में हैप्पी हो मेंटेनेंस कैसी हो रही है इस प्रॉपर्टी की इफ़ इट्स कमर्शियल प्रॉपर्टी हाउ इज़ द लीजिंग इस बिल्डर टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन द लीजिंग के बिल्डर सिर्फ बेच के आगे बढ़ गया है और प्रॉपर्टी ठीक से मैंटेन नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है second point is the popularity. if it's the builder who's popular, he will make sure the quality is always top-notch. he will never negotiate on quality. he will also make sure that the popularity remains. he will give you very tempting offers and prices and discounts because it's popular. and he would also like to give you great advantages in payment terms. another thing i look for a developer is his कैश फ्लो इजी द बिल्डर हुज ओनली टेकिंग मनी बाय सेलिंग प्रॉपर्टीज और ही हैज़ अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम विच गिवज अ सस्टेनेंस लाइक डज ही हैव इज ओन रेंटल इनकम हैज़ ही इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर्टीज़ ही इज़ बिल्ड एंड नॉट सोल्ड एवरी स्टॉक ही हैज़ अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ स्टेक आज भी उसके पास है तो वो मेक श्योर करेगा कि मैंटेनेंस और क्वालिटी बिल्कुल टॉप नौशर क्योंकि उसके अपने पैसे भी लगे हुए हैं क्या उसकी रेंटल इनकम अच्छी है, है क्या उसका लैंड बैंक अच्छा है इजी प्लानिंग टू ग्रो इन द फ्यूचर इजी प्लानिंग टू कंजर्व एंड जस्ट सेल वॉट एवर ही हैज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है वन ऑफ द प्राइम थिंग आई ऑलवेज चेक वैन एम चूजिंग द प्रॉपर्टी इट्स अ हैक फॉर यू एज वेल द फर्स्ट थिंग आई आस्क इज हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स आर बिल्डर प्लानिंग टू कीप फॉर हिमसेल्फ सेल फॉर एवर जब इसका डेटा हमें मिल जाता है तो मुझे बड़ा कंफर्ट आता है कि मैं ठीक बिल्डर ठीक लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ दे आर मेनी मोर पॉइंट्स ऑफ द बिल्डर इन टर्म्स ऑफ हाउ गुड ई कनेक्टेड विद द एसोसिएशन अराउंड इज इजी हेल्पिंग द कम्युनिटी इज ई हेल्पिंग द एरिया इज ई क्रिएटिंग मोर जॉब्स इज ई बेनिफिटिंग वॉट एवर द प्रोफिटेड ही इज गेटिंग इन टू कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ द बिल्डर इज डूइंग दैट ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग विजन एंड ही इज हेव टू सस्टेन द थर्ड थिंग again इम्पॉर्टेंट important point apart from location and builder is the project itself हमारे यहाँ पे बड़ा एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि रेजिडेंशियल चल रहा है तो हर बंदा ही गोल्फ कोर्स बनाएगा हर बंदा ही बड़ा बड़ा क्लब हाउस बनाएगा हर बंदे ने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर ग्रीन 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 ऐड करके बड़े बड़े पार्क बना दिए किसी ने यूज किया नया कंसेप्ट सक्सेसफुल हो गया हर बंदे ने कॉपी कर दिया कमर्शियल आया मॉल आए हर बंदे ने मॉल बनाए आई टी पार्क से हर बंदे ने आई टी पार्क बनाया फिर हाई स्ट्रीट रिटेल एक कंसेप्ट आया लोगों ने कट कॉपी पेस्ट उसी आर्किटेक्ट को बोला भैया मेरा भी मौके के हिसाब से थोड़ा चेंज करके वैसे ही प्रोजेक्ट बना दे ये वनीला इन्वेस्टमेंट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती वी नीड टू अंडरस्टैंड इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है कि लोग यहाँ पर आएंगे इफ इट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सेम रिटेल शॉप सेम मल्टीप्लेक्स सेम फूड कोर्ट कंसेप्ट विद सर्विस अपार्टमेंट और ऑफिस स्पेस है कि कोई डिफरेंट यूनिक बन रहा है कि लोग इस प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे विजिट करेंगे हमेशा लगातार या इट्स अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लोग ऐसे देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ बनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमारी लाइफ को अपग्रेड करेगी हमारा वैल्यू एडिशन बनाएगी क्या मेरी लाइफ यहाँ पर आने के बाद क्वालिटी लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी छोटी छोटी चीज़ें अ गुड क्लब हाउस विद अ किड्स प्ले एरिया पेटिंग एरिया अ फूड एंड बेवरेज डिलीवर्ड एरिया सर्विस मैनेज अपार्टमेंट्स ऑब्वियसली एवरीथिंग हैव अ कॉस्ट बट कोई ना कोई आपको यू एस पी वैल्यू एड अपने प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा तभी सक्सेसफुल होगा सो वेनाय गो एन सी या प्रोजेक्ट में पूछता हूँ इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या चीज़ है कि मी एंड माई इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट एंड दिस विल ब्रिंग वैल्यू अगर मुझे कोई सॉलिड आंसर कंक्रीट आंसर नहीं मिलता तो मैं समझ जाता हूँ कि ये भी एक कट कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट है तो जब ये तैयार हो जाएगा मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में एक मेरा प्रोजेक्ट भी ऑप्शन आएगा तो मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे बट अगर ये प्रोजेक्ट यूनिक है कोई ऐसा कंसेप्ट है कोई ऐसी थीम है कोई ऐसी यूएसपी है इस प्रोजेक्ट में जो किसी के पास नहीं है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ दो यूनिट लेता हूँ बिकॉज मुझे पता है ग्रोथ आएगी और अच्छी आएगी रेगुलर आएगी लोग आएंगे और जब मैं बेचने जाऊँगा बाहर चार लोग खड़े हो गए कि मुझे दे दो सो दिस अस टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ प्राइस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम इंडियंस को ना डिस्काउंट देने में और लेने में बहुत मज़ा आता है हम पूछते हैं भैया कितने का है वो कहता है जी सौ रुपये का है आपको इतना एक्साइटिंग नहीं लगता अच्छा सौ रुपये डिस्काउंट कितना देगा वो कहता है जी कोई डिस्काउंट नहीं है एक दो रुपये दे दूँगा बस बीस परसेंट दे दो तो मैं भी ले लेता हूँ सिमिलरली जब हम प्रोजेक्ट्स बेचते हैं तो कई बिल्डर क्या करते हैं वो सौ रुपये की चीज़ एक सौ चालीस रुपये में कर देते हैं और दस रुपये का डिस्काउंट दस रुपये का टाइमली पेमेंट दस रुपये की एक्स्ट्रा बेनिफिट करते 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 वो एक सौ दस रुपये में बेचते हैं आपको आप कहते हो यार तीस परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है एक सौ चालीस रुपये की चीज़ मुझे एक सौ दस रुपये एक सौ पंद्रह रुपये की मिल रही है फटाफट ले लो बट जिसने सच बोला कि भैया मैंने रेट ही आपको जेनुअन देखे नाइन्टी एट में दिया लोगों को वो समझ नहीं आता तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हाउ कैन यू मेक श्योर द प्रोजेक्ट यू आर स्पेंडिंग मनी इन्वेस्टिंग मनी है राइट वैल्यू टू एट बड़ा सिंपल रूम लाया है आप उस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग ले लो उसके बाद गाड़ी लेके जाओ आस पास एक किलोमीटर के दो किलोमीटर के प्रोजेक्ट की स्टडी बनाओ उनकी लिस्ट बनाओ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो इसके कॉम्पिटिशन में है रेजिडेंशियल है तो ऐसे कौन कौन सी सोसाइटी प्रोजेक्ट उसके आस पास अंडर कंस्ट्रक्शन या डिलीवर्ड है कमर्शियल है तो ऐसे कौन से हाई स्टीड रिटेल आसपास बन रहे हैं उनके प्राइसिंग नोट करो और ये प्राइसिंग कौन से है नॉट द बिल्डर प्राइसिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिस्टिक रीसेल प्राइसेस तो जब आप रेट चेक करते हैं ना आप पूछते हैं भैया मैंने बेचना है मुझे रेट बता दे क्योंकि ख़रीदने का रेट अलग है और बेचने का रेट अलग है तो यू गेट अ क्लैरिटी यू वेन्यूज दैट आई एम अ सेलर मेक अ लिस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट्स साथ में उसके प्राइसिंग नोट कर लीजिए उन सब की एवरेज ले लीजिए कि एक दस का है एक बारह का है एक चौदह का है तो मैंने बारह की एवरेज लगा ली फिर उस बारह को अपने प्राइसिंग से कंपेयर करिए कि ये बिल्डर मुझे नाइन्टी एट में दे रहा है एक बिल्डर मुझे एक पंद्रह में दे रहा है जबकि मार्केट में जो रेट है वो सौ रुपये के आसपास आ रहा है तो आई शुड गो हैड विद बिल्डर नंबर ए बिकॉज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मार्केट रेटों से सस्ता है अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो अपार्ट फ्रॉम रेंटल इनकम अपार्ट फ्रॉम ए शोर रिटर्न मुझे अप्रिसशन भी मिलेगी और ये अप्रिसशन आपको कम्फर्ट देता है तो दिस इज़ द फॉर्मूला आई ऑलवेज़ फॉलो फॉर प्राइसिंग इफ़ यू इन्वेस्ट विद गोल्डन ट्रिक्स आपको पता चलता होगा आपको हमेशा हम दिखाते होंगे ये सर कंपटीशन मैपिंग है प्राइसिंग है इस एरिया के आसपास ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप किस प्राइस में एंटर कर रहे हो किस प्राइस में आपको ग्रोथ कितनी मिल सकती है प्राइसिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेन वी लुकिंग इन टू चूजिंग द प्रोजेक्ट फिफ्थ पॉइंट पेमेंट प्लान आप बोलोगे पेमेंट प्लान से क्या फर्क पड़ता है जब मैंने एक प्रॉपर्टी एक करोड़ रुपए की ले ली तो आज भी एक करोड़ रुपए देना है कल भी देना है बहुत फर्क पड़ता है आई ऑलवेज मेक श्योर आई इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच हैज अट्रक्चर डिलीवरी बाउंड पेमेंट प्लान दैट मीन्स अ बिल्डर हु इज़ हैप्पी टू गिव मी अ ईजियर पेमेंट प्लान हैज अ लॉन्ग वेजन ही इज़ वेरी श्योर दैट यू विल डिलीवर ऑन टाइम क्वालिटी प्रोडक्ट जब वो चीज़ बन जाएगी लोग अप्रिशिएट करेंगे और टाइम से पेमेंट कर देंगे जिस बिल्डर की नीयत गलत होती है वो पेमेंट प्लान उल्टा कर देता है वो डिस्काउंट देता है और बोलता है सारी पेमेंट आज ही दे दो तो हमें ना पेमेंट प्लान से बहुत फर्क पड़ता है डेवलपर की रेपूटेशन को ट्रैक करने में स्पेशली इफ योर अ इन्वेस्टर यू शुड फोकस ऑन पेमेंट प्लान After checking the location, builder, project price, this will help you understand the safety of your investment. But the price and payment plan will help you understand the ROI, the return on investment. तो so ROI की बात करते हैं। ROI का बड़ा simple rule है कि मैंने एक project 100 करोड़ रुपए में लिया और ये डेढ़ सौ रुपए का हो गया। तो आपको 50% की growth है। But अगर मैंने payment plan अच्छा लिया और मैंने सौ रुपये में सिर्फ तीस परसेंट ही दिया हुआ है या पचास परसेंट दिया हुआ है पचास परसेंट पे भी मुझे पचास परसेंट आ गया तो इस केस में आपको आई फिफ्टी परसेंट की आर ओ वाई और इस केस में आपको आई हंड्रेड परसेंट की आर ओ आई प्रोजेक्ट दोनों ने एक लिया एक ने दिए पचास परसेंट पेमेंट एक ने दी सौ परसेंट पेमेंट इन्वेस्टर वाइज आर ओ वाई का बहुत फ़र्क आया आई आर आर विच इज़ द रिटर्न वी हैव गॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डबल का फ़र्क आया Payment plans are very attractive. I spend a lot of time and energy when choosing the payment plan for the highlighted recommended projects for my investor. So, if you choose the best investment for your life, it will always have a good location, a good builder who has a very good vision and deliver a quality product on time, a good project which has a theme, a USP, a good price. मार्केट से सस्ता है ग्रो करेगा ही करेगा एंड अ वेरी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान इनरेस्पेक्टिव वेरेवर यू आर इन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इफ़ यू कैन गेट द बैलेंस ऑफ फाइव दिस एंड एम फॉर एटलीस्ट एटी परसेंट अचीवमेंट ऑन द टारगेट हर चीज़ को पॉइंट दो पॉइंट अलग से बनाओ प्रोजेक्ट का पॉइंट टू पॉइंट कंपेरिजन करो एटी परसेंट का स्कोर आए इन्वेस्ट कर दो नहीं आ रहा पैसे बंद कर दो लुक फॉर मोर प्रोजेक्ट्स इफ़ यू फॉलो दिस आई कैन एश्योर यू यू विल सक्सेसफुल कंसिस्टेंटली एवरी टाइम दिस इज द फॉर्मूला आई फॉलो इन गोल्डन ब्रिक्स एंड वी हैव गॉट रेमेंडर्स रिटर्न डिलीवर टू आर इन्वेस्टर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इसमें तो कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई यू वॉन्ट वन टू वन क्लैरिटी प्लीज़ कमेंट बिलो आई विल भी हैप्पी टू आंसर यू एवरी थिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू सो